नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर और उनके आसपास की घूमने लायक जगहों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी शिखर के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद यदि आप शिखर के बाकी जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम खाटू श्याम मंदिर और उनके आसपास की घूमने लायक 10 जगहों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप खाटू श्याम ट्रिप के दौरान बेहद आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमने हमारे चैनल में खाटू श्याम मंदिर की एक और वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें हमने जानकारी दी है कि खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है, खाटू श्याम मंदिर जाने का बेस्ट समय कब होता है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन और आरती का टाइम कब होता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है खाटू श्याम मंदिर। फ्रेंड्स, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मान्यता अनुसार कलयुग में खाटू श्याम जी सबसे प्रसिद्ध भगवान है। मान्यता है कि जो भी भक्त खाटू श्याम मंदिर में जाकर खाटू श्याम जी से जो भी मांगते हैं वह जरूर पूरा होता है। खाटू श्याम में हर वर्ष मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है श्याम कुंड। फ्रेंड्स, खाटू श्याम मंदिर के पास में एक श्याम कुंड बना हुआ है। लोगों का मानना है कि खाटू श्याम जी की गर्दन को इस कुंड से ही खोदकर निकाला था। श्याम कुंड की एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त या श्रद्धालु इस कुंड के जल में स्नान करते हैं तो व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी शर्म रोग या संबंधित बीमारी नहीं होती। तीसरे नंबर पे आता है हर्षनाथ मंदिर। फ्रेंड्स, सीकर के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से हर्षनाथ मंदिर का नाम भी आता है। यह मंदिर सीकर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। साथ ही यह मंदिर शिव मंदिर के अवशेष रखने के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापत्य सुंदरता बहुत ही लुभावनी है। पास में एक और शिव मंदिर है। अगर आप आस्था पर विश्वास रखते हैं और थोड़े धार्मिक हैं तो हर्षनाथ मंदिर की सैर आपको जरूर करनी चाहिए। चौथे नंबर पे आता है देवगढ़ किला। फ्रेंड्स, सीकर में मौजूद खूबसूरत जगहों में देवगढ़ का किला या महल भी आता है, जो समुद्र तल से लगभग 2100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। प्राचीन परिदृश्य और शांत झीलों के बीच स्थित देवगढ़ महल राजस्थानी वास्तुकला के शाही अनुभव को दर्शाता है। साथ ही इसे अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। देवगढ़ का किला बेहद खूबसूरत वास्तुकला या शैली में बना हुआ है, जो एक विरासत स्थल है। इसलिए यह महल सीकर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। पांचवें नंबर पे आता है गोपीनाथ जी मंदिर। फ्रेंड्स, सीकर शहर के मध्य में स्थित यह मंदिर वास्तुकला से भरपूर है। मंदिर की दीवारों पर बनी पेंटिंग इसके पवित्र वातावरण को और भी बढ़ा देती है। इस जगह का समग्र वातावरण इसे भगवान की पूजा करने के लिए बहुत ही शांत और दिव्य स्थान बनाता है। यह वास्तव में शिखर के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। छठे नंबर पे आता है वीर हनुमान मंदिर। फ्रेंड्स, राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर के आसपास घूमने लायक धार्मिक स्थलों में से एक हनुमान जी मंदिर है, जो सामोद पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर खाटू श्याम मंदिर से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके गर्भगृह में भगवान हनुमान जी की 6 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट चामोद के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर भगवान राम का भी एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। सातवें नंबर पे आता है गोल्डन वाटर पार्क। फ्रेंड्स, यदि आप
खाटू श्याम मंदिर का दर्शन करने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो खाटू श्याम मंदिर के आसपास घूमने लायक स्थलों में से एक गोल्डन वाटर पार्क है। यह एक मनोरंजक पार्क है जो 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस गोल्डन वाटर पार्क को बने काफी साल हो चुके हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। बच्चों के लिए यह पसंदीदा जगह है। वाटर पार्क का खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक रहता है। यहाँ पर टिकट शुल्क 300 रुपए है, वही बच्चों के लिए 200 रुपए है। 8वें नंबर पे आता है जीण माता मंदिर। फ्रेंड्स, जीण माता की सबसे अधिक पूजा राजस्थान राज्य के लोग करते हैं। जीण माता का मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जीण माता को अष्टभुजा वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी और वहां के लोगों का कहना है कि यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है और खाटू श्याम मंदिर के आसपास में घूमने लायक जगहों में सबसे प्रसिद्ध है। 9वें नंबर पे आता है गणेश्वर धाम। फ्रेंड्स, गणेश्वर धाम में सभी देवी देवताओं की अलग अलग मूर्ति बनी हुई है। खाटू श्याम मंदिर से गणेश्वर धाम के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। जैसे ही आप गणेश्वर धाम के मुख्य द्वार के अंदर पहुंचेंगे, वैसे ही आपको देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। धाम के अंदर एक विशाल कुंड बना हुआ है जहां पर लोग स्नान आदि करते हैं। पहाड़ियों के माध्यम से कुंड में पानी एकत्रित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार इस जल कुंड में स्नान कर लेता है उसको जीवन भर शर्म रोग नहीं होता है। 10वें नंबर पे आता है बालाजी महाराज सालासर। फ्रेंड्स, बालाजी महाराज और खाटू श्याम मंदिर के बीच की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। बालाजी मंदिर बाबा हनुमान के भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र मंदिर है। सालासर बालाजी का मंदिर राजस्थान के सुरू जिले में स्थित है। यह मंदिर पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के दिन यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पास में ही भक्तों के रहने के लिए धर्मशाला और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी खाटू श्याम मंदिर और उनके आसपास की घूमने लायक 10 जगह जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।